रीवा में सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सामाजिक संस्था बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर शहर की वृद्ध असहाय निर्धन महिलाओं को ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग में बने तीर्थस्थल चारोधाम के देवी देवताओं के दर्शन कराकर पुण्य कार्य का अनूठी मिसाल पेश की गई है। हम आपको बता दें कि सोसाइटी द्वारा पहले वृद्धों को भगवान के दर्शन कराए गए, फिर उन्हें भोजन कराकर लगातार 2 सालों से ये पहल शुरू की गई है। ये उन वृद्धों के लिए एक अच्छी पहल है जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चारों धाम के भगवान के दर्शन के लिए शहर की उन निर्धन महिलाओं को चुना गया जो बुजुर्ग के साथ असहाय और निर्धन है। महिलाओं को उनके घर से लक्ष्मण बाग मंदिर में स्थित चारों धाम तक ले जाने के लिए ऑटो और पूजन सामग्री की पूरी व्यवस्था की गई थी। गौरतलब है कि रीवा में लगभग 150 वर्ष पूर्व रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने विंध्य क्षेत्र की गरीब धर्मभीर जनता को ध्यान में रखकर देश भर में स्थापित प्रसिद्ध चारों धाम बद्रीनाथ द्वारिकाधीश जगन्नाथ रामेश्वरम धाम सहित देश के दुर्गम स्थलों के देवी देवताओं को लक्ष्मण बाग में बने मंदिर में स्थापित किया था ताकि यहाँ की जनता चारों धाम के दर्शन आसानी से कर सके। जो गरीब या बुजुर्ग चारों धाम की यात्रा पर नहीं जा सकते थे वो यहीं पर चारों धाम के भगवान के दर्शन कर पुण्य कमा सकते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संस्था के द्वारा पिछले 2 सालों से ये अनोखी पहल शुरू की गई है। वृद्धा दिवस के अवसर पर 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला से लेकर 90 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं को एकत्रित कर लक्ष्मण बाग में तीर्थस्थल का दर्शन कराने के लिए ले जाया गया। इतना ही नहीं, बुजुर्गों को पूजन सामग्री और भोजन की व्यवस्था भी सोसाइटी के द्वारा कराई गई ताकि बुजुर्ग पुण्य प्राप्त कर सके। लगभग 90 वर्ष की बुजुर्ग शांति मिश्रा की वर्षों से तीर्थ दर्शन की बड़ी आस थी, लेकिन कई कारणों की वजह से उनके अरमान पूरे नहीं हो पा रहे थे। बुजुर्ग होने के साथ साथ उन्हें चलने में भी दिक्कत थी, लेकिन उनके सपनों को पंख तब लगे जब समाज सेवी श्रेष्ठा शुक्ला ने शांति की गोद में उठाकर उनको तीर्थ दर्शन की हसरत को पूरा किया। शांति के साथ उन बुजुर्गों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जिन्होंने चारों धाम के भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद सभी बुजुर्गों ने आशीर्वाद एवं आशीष दिया और साथ में भोजन भी किया। प्रस्तुत इस संबंध में राम कली साकेत बुजुर्ग और श्लेषा शुक्ला अध्यक्ष बेनिसन हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अंश। किस स्थान? लक्ष्मण बाग दर्शन करे भगवान के, चारू धाम भगवान को देखे। मैडम जी लेके आई हैं सबको, हमसे तो चल फिर नहीं जाए कि हम कहाँ दूसरे जगह जाए दर्शन करे, तो हम यहाँ आने ले आई मैडम जी, तो वहाँ दर्शन करे, दर्शन किए हैं। अब हो गया यहाँ खाना पीना जब हो भगवान दे हैं, खाई हैं पी हैं सब खा पिया। कैसा लगा आपको आके? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जैसे आज़ादी के 75वां सालगिरह, हमारी 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो गए हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी है, तो हम ये पिछले साल से बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रोग्राम चला रहे हैं कि हर साल हम वृद्ध दिवस पे महिलाओं को और बुजुर्गों को, वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को यहाँ पे लक्ष्मण बाग पे लाके दर्शन कराएंगे, क्योंकि राजा विश्वनाथ जी ने यहाँ पे इस मंदिर का स्थापना ही इसलिए करी थी कि जो रीवा राज्य के लोग बाहर जाके चार धाम के दर्शन नहीं कर सकते हैं उनको भी उतना ही पुण्य मिले यहाँ पे आके दर्शन करने का। तो हम बस, हमारी संस्था का ये है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ला के दर्शन करा सके। तो आज इस वर्ष हमने 75 का वो रखा है, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए भी, कि 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे हुए हैं, तो हम 75 महिलाओं को यहाँ पे लाए हैं जिनमें से बहुत बुजुर्ग भी हैं, दिव्यांग हैं, कुछ चल नहीं पाती हैं, ऐसी महिलाओं को ला के यहाँ पे हम दर्शन करा रहे हैं।